अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इन 5 किस्म की औरतों से कभी भी हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इनसे हम बिस्तरी करने का हमेशा नुकसान होता है। वो औरतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसी औरतों से हम बिस्तरी करने से क्या नुकसान होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो को आप एंड तक मुकम्मल देखें, ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। जिन औरतों से जमा नहीं करना चाहिए, उनमें सबसे पहले जो आती है वो है हाइज़ औरतें। हाइज़ औरतें ऐसी होती हैं जिन औरतों को हैज़ आया हो, और हैज़ के दौरान उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। नाबालिग औरतें, ऐसी लड़कियां जो अभी तक बालिग ना हुई हों, उन हो सकता है और मर्ज़ सुजाक होने का भी ख़तरा होता है, तो इसलिए हैज़ वाली औरतों से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पर जो है नाबालिग लड़कियां जो होती हैं, उनके साथ हम बिस्तरी करना इसलिए मना है क्योंकि उनके जिस्म सही तरह से नशोनुमा नहीं पाता। उनके अंदर अभी जिस्म की तकमील होती है, तो इसलिए उनके अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आती रहती हैं, तो इसलिए उनके साथ भी हम बिस्तरी करना बाइस नुकसान है। ऐसी औरतें जिन्होंने अरसे तक इस फेल को तर्क कर रखा हो, काफ़ी अरसे से हम बिस्तरी ना की हो, उनके साथ भी हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, क्योंकि ऐसी औरतों के अंदर ठंडक आ जाती है। उनके अंदर असरात जो हैं, उनके अंदर जो है वो इस उनके अंदर यह हिस ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा करने से भी आपके ऊपर नुकसान पड़ते हैं और आप ऐसा करने से भी आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इन औरतों के साथ भी हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 पे आती हैं बूढ़ी औरतें, इसीलिए कि इनके जिस्म में सर्दी हुआ करती है, इसलिए इनकी सर्दी जो है उज़्वे मखसूस को नुकसान पहुँचाती है। बदशक्ल औरतों से हम बिस्तरी करने से इसलिए मना किया गया है क्योंकि उनकी सूरत देखते ही शहवत ज़ाहिर हो जाती है, तो इसलिए भी उनसे हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।